नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के आज शाम के इस वीडियो में। यहां पर जानकारी बहुत ही बड़ी आ रही है सभी आंगनबाड़ी बहनें जो वीडियो में आ चुकी हैं, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और समझ लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का सरकार ने इस समय आदेश कर दिया है, तो ऐसे में हमारे पास जो लेटर अभी आया है जारी होकर के वो मध्य प्रदेश से है। तो बता दें आपको, मध्य प्रदेश राज्य में ये आदेश देखने को मिला है। देखते ही देखते सभी राज्यों में यही सिस्टम लागू हो जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे। जितने भी आपके लाभार्थी उनका व्हाट्सएप ग्रुप, ना कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का व्हाट्सएप ग्रुप। तो यहां पर यह जानकारी आपके उस सोच से कहीं अलग है। अब सारे काम आपको व्हाट्सएप की निगरानी में करने होंगे, यानी व्हाट्सएप की मदद से आप सब भाई बहनों को जो है सूचना, अपने क्षेत्र के लाभार्थियों को पूरा उनको जानकारी देना, सुझाव देना, सब कुछ इस पर ही करना होगा। तो इस लेटर के बारे में आप सब देख करके समझ जाएंगे सभी राज्यों के भाई बहन। जो मध्य प्रदेश में जारी हो चुका है, इस लेटर से कुछ सीखिए, समय रहते आपके वहां जानकारी पहुंच जाएगी मध्य प्रदेश राज्य के जरिए। तो यहां पर आप सब पहले से तैयार हो जाएंगे तो आप लोगों को काफी मदद मिलेगी जब आपके वहां इस तरह का आदेश आएगा। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने यह आदेश निकाला है भोपाल से है 11/5/2020 के दिन, और यह लिखा है जिला कार्यक्रम जो है आपके अधिकारी समस्त मध्य प्रदेश के। तो पूरे मध्य प्रदेश में यह सूचना जारी हो गई है, बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कहीं से भी हो, देखते ही देखते चीजें इसलिए लागू होंगी क्योंकि लॉकडाउन है और ये एक जो प्रयास है इससे काफी मदद मिलेगी, ज्यादा आंगनबाड़ी को भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी थोड़ा बहुत इसमें बदलाव किया है, यहां पर एक आध जनपदों में आप लोगों को दिखा दूंगा अभी, वहां पर आंगनबाड़ी बहनों को जो है ऑनलाइन चीजें कराई जा रही है, यानी ऑनलाइन वीडियो कॉल करा करके लोगों को जागरूक कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, बस पूरा वीडियो लास्ट तक आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको हम मध्य प्रदेश के उस लेटर में छपी जानकारी बता दें, उसके बाद उत्तर प्रदेश की बहनों को भी दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में काफी जगह वीडियो जो कॉल के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आदेश है कि वो वीडियो कॉल करके अपने लाभार्थियों को जो है जागरूक करें, उनको समझाएं, उनको बताएं, तो पूरी जानकारी देख लीजिए। यहां पर आपको बता दें, नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण काल में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आंगनबाड़ी सेवाओं में दर्ज हितग्राहियों के पोषण एवं स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में यह लेटर जारी है, और यहां पर लिख दिया गया है, नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अति आवश्यक है कि कम से कम अवसरों पर एक दूसरे के संपर्क में आया जाए, कम से कम। तो याद रखना, यहां पर इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जा रहा है ताकि आंगनबाड़ी को बार बार घर को जो है उनका विजिट ना करना पड़े। फोन कहीं उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है वीडियो कॉल करके जानकारी ले लो, सेम कंडीशन व्हाट्सएप ग्रुप की बनाई जा रही है। व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे, व्हाट्सएप से जो है वीडियो कॉल हो जाती है, तो ऐसे में ग्रुप बनाने के बाद आप उनसे सीधा व्हाट्सएप से जो जानकारी ले सकते हैं और दे सकते हैं। यहां पर लिखा है 6 से 5 फीट वगैरह वयस्क आदमी की लंबाई बराबर की दूरी रखी जाए। वर्तमान में लिखा है आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा अति आवश्यक सेवाएं जैसे पोषण आहार वितरण एवं कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में अन्य आपातकालीन कार्य किए जा रहे हैं, साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा हितग्राहियों को नियमित रूप से दी जाने वाली परामर्श सेवाओं तथा पोषण एवं स्वास्थ्य परामर्श की निरंतरता वगैरह बनाए रखने हेतु विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। अतः आवश्यक है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हितग्राहियों के मध्य ऐसे माध्यमों का उपयोग करें ताकि जो है उनके मध्य न्यूनतम प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क हो, यानी जाना कम पड़े, घर बैठे काम हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया था बिहार में जो आधार संख्या सब कुछ मांगी जा रही थी, पहले महीने THR बांटने जा रहे हैं, मैंने कह दिया था जब बांटने जाना तभी सारे चीजों को इकट्ठा ले लो, कर लो, जमा कर लो, अच्छा रहेगा। फोन करके जिसके पास नंबर है वो नंबर लेके ही सब कुछ ले सकता है। तो अब यहां पर नंबर आप लोगों के काम आएंगे, लाभार्थियों के नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे, व्हाट्सएप जिनके पास है उनके लिए तो अच्छा, जिसके पास नहीं है उसको डायरेक्ट फोन करके जो कुछ कहा जाएगा। साथ ही आपको बता दें, फिलहाल के लिए लेटर पर बढ़ते हैं, गौर करते हैं। लिखा है कि माध्यम से जो है आपको यहाँ पर पर्यवेक्षक द्वारा कमजोर अथवा कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की निगरानी हेतु व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए जा रहे हैं, साथ ही इसमें बहुत सारी जानकारी है हर वर्ग के लिए आपको बताएंगे। लिखा है, वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सेक्टर स्तर पर पर्यवेक्षक द्वारा कमजोर अथवा कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की विशेष रूप से देखभाल व निगरानी हेतु ग्राम स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा उससे केंद्र में दर्ज सभी हितग्राहियों, चाहे गर्भवती हो, चाहे धात्री हो, चाहे आपकी जो है माताएं अन्य हो, 6 वर्ष की आयु के चाहे बच्चे हो, या 3 से आपके 6 वर्ष के के बच्चे हो, या 2 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चे हो, तो आपको बता दें इन सबके लिए और किशोरी बालिकाओं के लिए भी इनके परिवारों को शामिल कर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। तो इन सभी के परिवारों को जो है शामिल कर लिया जाएगा। ऐसे में लिखा, जिसके माध्यम से पर्यवेक्षक यानी आपकी सुपरवाइजर एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा हितग्राहियों को स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित परामर्श एवं सेवाओं के उपयोग हेतु परिवार को वांछित जो है समझाइश दी जा सकेगी। ये कदम आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों की सुरक्षा के खातिर है, इसे वैसे मत देखे कि काम का बोझ बढ़ रहा है।
व्हाट्सएप ग्रुप एक बार यदि आपने बना लिया फिर घर बैठे बैठे आप जो जानकारी ले सकती है दे सकती है और इससे आप लोगों को बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही आपको बता दें उपरोक्त व्हाट्सएप ग्रुप के जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों को आप लोग देखिए। कोविड 19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु किए गए उपायों के दौरान हितग्राहियों को स्वास्थ्य एवं पोषण परामर्श उपलब्ध कराना, इसलिए जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। साथ ही लिखा है कमजोर एवं कुपोषित बच्चों की देखभाल एवं पोषण स्तर में सुधार हेतु परिवार को सहयोग प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। हितग्राहियों से सतत जो है संपर्क कर पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति जानने के लिए भी यहां पर आपका ये व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। साथ ही आपको बता दें समुदाय के मध्य स्वास्थ्य एवं पोषण जागरूकता विषयों पर प्रचार प्रसार भी हो जाएगा, इसके लिए भी ग्रुप बनेगा। चिकित्सीय लक्षणों के आधार पर अति गंभीर कुपोषित बच्चों को रेफर करना एवं आपात स्थिति में निपटने में परिवार को आवश्यक सहयोग मिलेगा। साथ ही जाना कम पड़ेगा आंगनबाड़ी को इधर उधर तो संक्रमण वगैरह भी नहीं बढ़ेगा। आगे बता दें व्हाट्सएप ग्रुप बनाए लिखा हुआ ग्रुप का बनाए जाने हेतु निम्नानुसार कार्रवाई की जाए। अब आगे यहां पर आपको बताना चाहेंगे, नोट करिए, सेक्टर स्तर पर पर्यवेक्षक द्वारा माह फरवरी एवं मार्च 2020 में बच्चों के लिए गए पोषण स्तर के आधार पर जो है लिखा हुआ है सभी चिन्हित कम वजन के अति कम वजन के जो है जिनमें लगभग सभी गंभीर कुपोषित बच्चे शामिल होते हैं उन वाले बच्चों को परिवार को जो है जोड़कर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। ग्रुप में संबंधित पोषण पुनर्वास केंद्र की जो है FD को शामिल किया जाएगा ताकि लक्षणों के आधार पर अति गंभीर कुपोषित बच्चों की चिकित्सीय निगरानी में सहायता मिल सके। साथ ही लिखा हुआ है आंगनबाड़ी स्तर पर क्या होगा, तो ये तो आपका सेक्टर स्तर पर हो गया। आंगनबाड़ी स्तर से देखिए तो आंगनबाड़ी बहनों नोटिस करिए, यहां पर लिखा है कार्यकर्ता द्वारा अपने पर्यवेक्षक के सहयोग से केंद्र में दर्ज सभी हितग्राहियों को शामिल कर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। तो आंगनबाड़ी बहनों मध्य प्रदेश में यह आदेश है कि वहां पर सभी आपके लाभार्थियों को शामिल करते हुए आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाने हैं। शेष राज्य जो बचे हैं वहां पर भी शायद यह लेटर इसी तरीके का नियम कायदा देखने को मिले, अन्यथा उत्तर प्रदेश में अभी मैं फोटो दिखाऊंगा वहां पर वीडियो कॉल करके आंगनबाड़ी को बताया जा रहा है कि आप सब अपने लाभार्थियों को वीडियो कॉल करके उनको पोषण परामर्श दे गर्भवती महिलाओं को समझाएं, यह सब कुछ सिस्टम चल रहा है। तो साथ ही अभी इसमें देखिए लिखा है आंगनबाड़ी स्तर पर बने सभी समूहों में पर्यवेक्षक को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, जिससे लिखा है आवश्यकता होने पर पर्यवेक्षक द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मदद की जाए। तो जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप अपने जो है अपने गांव का अपने क्षेत्र का बनाएंगे जिसमें उनके लाभार्थी होंगे, तो यहां पर आपको बता दें उसमें आपकी सुपरवाइजर भी जो है जुड़ी होगी। तो यहां पर यह आप लोगों के लिए जानकारी है। साथ ही आपको बता दें यहां पर और भी लिखा है व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा जो है कोविड 19 के संक्रमण काल एवं उससे उपरांत भी सामान्य परिस्थितियों में हितग्राहियों के मध्य विभागीय योजनाओं स्वास्थ्य एवं पोषण देखभाल हेतु जानकारी का प्रचार प्रसार संबंधी कार्रवाई हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रविष्ट एक में संलग्न है। ये आपका लॉकडाउन सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी में जो है इन सभी ग्रुपों का लाभ जो है देखने को मिलेगा, उससे फायदा बहुत कुछ होगा। बढ़ते हैं अगले यहां पर जानकारी की तरफ और यही व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में ही टोटल जानकारी है। जो भी भाई बहन देख रहे हैं भी एक बार कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ मैं पूरा वीडियो देख रहा हूं अभी, तो बहुत दिल को खुशी मिलेगी, कम से कम आप समय से पहले जागरूक होने के लिए तैयार हैं। आगे आपको बता दें वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और चैनल से जुड़ जाएं। यहां पर बता दें बच्चों को लिखा हुआ है प्रदाय पूरक पोषण आहार के सेवन की जानकारी हेतु परिवार से सप्ताह में कम से कम एक बार फोन अथवा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी बच्चों का सेवन किए जाने की जानकारी प्राप्त वगैरह कर परिवार को आवश्यकता अनुसार परामर्श भी देना है। साथ ही आपको बता दें अगला पॉइंट है सभी अति कम वजन को दिए जाने वाले पूरक पोषण आहार THR और आपका RTE इनको उपलब्ध हो और इनकी जो निर्धारित अतिरिक्त मात्रा प्रतिदिन सेवन बच्चे द्वारा किया जाए और इस हेतु परिवार को परामर्श वगैरह भी दिया जाए। साथ ही आप देख सकते हो बच्चे में बीमारी के लक्षण दिखने पर अथवा उसके खाने की आदत में बदलाव, पहले से खाना कम मात्रा में अथवा जो है कम बार खा रहा है, तो होने वाली जो परिस्थितियां हैं उसके परिवार से सतत जानकारी लेते हुए आवश्यक अनुसार जो परामर्श भी उनको देने हैं। तो अब हम आपको बता दें वो परामर्श कैसे हैं, तो यहां पर आपकी स्क्रीन पर बहनों दिख रहा होगा 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए जानकारी अच्छी है। तो पूरा वीडियो जो भी देखता है भाई बहन दिल से धन्यवाद, आप लोग कम से कम अपनी पूरी जानकारी ले रहे हैं तो आप लोगों को काफी लाभ मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो लिखा है कोविड 19 के संक्रमण से बचाव हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूक करना, पहला यहां पर जो है ये सब चीजें लिखी है। साथ ही लिखा है बच्चों को प्रदाय पूरक पोषाहार के सेवन की जानकारी हेतु परिवारों को सप्ताह में कम एक बार फोन अथवा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों द्वारा सेवन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर परिवार को आवश्यकता अनुसार परामर्श देना, सभी अति कम वजन को जो है जो बच्चे हैं पूरक पोषाहार वाले THR उनको उपलब्ध कराना और उनकी निर्धारित मात्रा प्रतिदिन सेवन करने वाले बच्चों को जो है वो भी दी जाए, यानी डेली पूछा भी जाएगा कि बच्चों को जो THR वगैरह कुछ बांट रहे हो वो बच्चों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है जो पोषाहार जा रहा है बेचारी बहनें सर पर गठरी लेकर के बांट तो देती हैं लेकिन जो है लाभार्थी घरवाले जो है वो पोषाहार को बच्चों को खिलाते नहीं है, वो जानवर खा रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दूं आगे लिखा है आशा के द्वारा भी काम है,
तो आशा के द्वारा 3 से 5 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं उनको सप्ताह में 2 दिन मंगलवार एवं शुक्रवार को दी जाने वाली आयरन फोलिक एसिड और यहाँ पे लिखा है सीरप वगैरह की खुराक के संबंध में अभिभावकों का प्रेरित करने के साथ आयरन फोलिक एसिड के महत्व को अभिभावकों को भी सूचित करना पड़ेगा। ये आशा बहनों का काम है। तो आशा बहनें भी यदि वीडियो देख रही हैं आपको भी यहाँ पर जानकारी मिलती रहेगी, बस वीडियो देखा करें। आगे आपको बता दें बच्चों को लगने वाले सभी टीकों विटामिन ए की खुराक कृमिनाशक गोली का सेवन और आदि जो है यथास्थिति की जानकारी परिवार से लेना एवं ग्राम में टीकाकरण दिवस की जानकारी परिवार को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से देना। तो सारे काम आप देख रहे हो व्हाट्सएप पर ही आप लोगों के अब होने वाले, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत बनी रहेगी और संक्रमण भी बहनों बचा रहेगा, तो हमारी बहनें भी आप भी सुरक्षित रहेंगी। आगे आपको बता दें यहाँ पर आगे जो लिखा हुआ है बच्चों में बीमारी के लक्षण दिखने पर अथवा उनसे उसके जो है खाने की आदत में बदलाव यदि देखने में आ रहा है ना, तो यहाँ पर आपको बता दें परिस्थितियों को भी आप लोगों को जानकारी और परामर्श आप लोगों को देना पड़ेगा। अति गंभीर कुपोषित बच्चे सैम जिनको बोलते हैं, तो उनको जो है उनमें पोषण पुनर्वास केंद्र से वापस आए हों अथवा जो है पूर्व से ही समुदाय आधारित कार्यक्रम में पंजीकृत हैं, उन्हें प्रदाय किए जाने वाले अतिरिक्त जो है पोषण आहार जिसको हम THR RT वगैरह बोलते हैं, तो निर्धारित अतिरिक्त मात्रा के सेवन की नियमित जानकारी परिवार से प्राप्त कर प्रतिदिन उनके द्वारा कुल सेवन किए जा सकने वाले जो आहार के बारे में भी आपको परामर्श देना है। तो साथ ही आपको बता दें 11 से 14 जो वर्ष की आयु की जो शाला त्यागी किशोरिया बालिकाएं हैं जो स्कूल नहीं जाती है, तो स्कूल ना जाने वाली किशोरी को शाला त्यागी किशोरी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है COVID-19 के संक्रमण से बचाव हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूक करना, प्रति सप्ताह आयरन की नीली गोली के सेवन एवं पूरक पोषाहार THR जो उपलब्ध हो उसको दो जो है इसके बारे में जो जानकारी देना और उनके द्वारा जो है सेवाओं को उपयोग हेतु परामर्श भी देना। साथ ही आप लोगों को अगली पोस्ट पर ले चलते हैं, और भी जानकारी है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर लिखा है पर्यवेक्षक के स्तर से, और ये काम जो है वो आपकी सुपरवाइजर करेंगी। तो आपकी सुपरवाइजर क्या करेंगी, अगर सुपरवाइजर कोई काम कर रही है, कोई आदेश कर रही है, उन पर कुछ काम है, तो वो काम वो किस पर निकालेंगी, तो वो तो आंगनबाड़ी पर ही तो अपना ऑर्डर देंगी ना, तो वो ऑर्डर क्या देंगी, तो देख लीजिए सुपरवाइजर पर क्या काम है। लिखा है पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करेंगी कि वह अपने क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बनाए गए हितग्राहियों के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल रहेंगी, साथ ही इस ग्रुप में संबंधित पोषण पुनर्वास केंद्र की फीडिंग जो है डेमोस्ट्रेट वगैरह FD को शामिल किया जाए, तथा लक्षणों के आधार पर अति गंभीर कुपोषित बच्चों की चिकित्सीय निगरानी में सहायता वगैरह मिल सके। अगला है राज्य द्वारा प्रतिदिन अथवा समय समय पर प्रसारित किए जाने वाले संदेशों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा अथवा स्वयं उन्हें व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप तक पहुंचाना सुनिश्चित करें, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में हितग्राहियों के प्रश्नों का सही उत्तर जिला एवं परियोजना स्तर से जो है चर्चा उपरांत हितग्राहियों को बताना सुनिश्चित करें। ये काम सारे जो है आपकी सुपरवाइजरों पर रहेंगे। लिखा है इन व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल परिवारों को सूचित करें, और लिखा है ग्रुप में अन्य किसी भी प्रकार के भ्रमित करने वाले संदेशों से दूरी बनाए एवं अन्य किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसार उन ग्रुप में नहीं होना चाहिए। तो वहां पर अन्य तरीके की किसी भी तरह की पोस्ट नहीं हो उन ग्रुपों में, यदि जहां पर आपके लाभार्थी हैं वहां पर सिर्फ आपको उनके लाभार्थियों से परामर्श के लिए ये ग्रुप बनाए जाएंगे। साथ ही लिखा है पर्यवेक्षक द्वारा कुपोषित बच्चों के ग्रुप में बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति की चर्चा निरंतर करते रहे, विशेषकर उन परिवारों के साथ जहां के बच्चे पोषण पुनर्वास केंद्र से भर्ती उपरांत वापस आए हों। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के स्तर से क्या करना है वो देखिए। लिखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं, 6 माह पूर्ण करने वाले बच्चों, कुपोषित बच्चों, शाला त्यागी यानी जो किशोरियां हैं जो स्कूल नहीं जाती हैं, जो स्कूल छोड़ चुकी हैं, उनके स्तर से यहां पर देखना है। गर्भवती महिलाओं हेतु जो है COVID-19 के संक्रमण से बचाव हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूक करना है, समय से उनका पंजीयन करना है, शासन के पात्रता अनुसार योजनाओं में जुड़ने हेतु परिवार को जागरूक करना है, इसमें मदद करनी है। लिखा है गर्भवती महिलाओं द्वारा प्रतिदिन समय से आयरन एवं कैल्शियम के सेवन की निगरानी वगैरह करना है और एवं महिलाओं को आवश्यकता अनुसार परामर्श देना है। लिखा है गर्भावस्था के दौरान पहले से अधिक पोषक वगैरह एवं संतुलित आहार का सेवन, 1 दिन में कम से कम 2 घंटे का आराम जैसे संदेशों को ग्रुप में प्रचार प्रसार आप लोगों को करना है। गर्भावस्था के दौरान पहले से अतिरिक्त पोषक एवं संतुलित आहार का सेवन एवं दिन में कम से कम लिखा हुआ है घंटे का आराम जैसे संदेशों का ग्रुप में प्रचार प्रसार करें। तो यहां पर आप लोगों को टोटल यहां पर दिखेगा कि प्रचार प्रसार करना है, लोगों को जागरूक करना है, घर को जाकर के जो आप लोगों को संदेश देने थे वो अब घर बैठे व्हाट्सएप ग्रुप पर बना करके उसी पर आप लोगों को भेज देने हैं। तो ऐसे हमारी आंगनबाड़ी बहनें भी सेफ हैं। यहां पर बता दें लिखा है स्वास्थ्य जांच जैसे टीकाकरण एवं गर्भावस्था दौरान वजन आदि की जानकारी एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता के ग्राम में आने वाले दिवसों की परिवार की जानकारी वगैरह देना। साथ ही लिखा हुआ संस्थागत प्रसव हेतु मां में संभावित प्रसव वाली गर्भवती महिला एवं उसके परिवार को नजदीकी प्रसव केंद्र की जानकारी उपलब्ध कराना, साथ ही आशा के साथ समन्वय स्थापित कर चिकित्सीय जटिलता वाली महिलाओं को जो चिन्हांकन करना, शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार वाहन एवं अन्य सुविधाएं भी उनको उपलब्ध कराना। साथ ही लिखा है धात्री माताओं एवं 6 माह
से कम आयु के जो शिशु हैं उनके लिए आंगनबाड़ी को क्या करना है उसके लिए बहनों देख लीजिए, यहाँ पर हर जानकारी टोटल में देता हूँ। लिखा है कोविड 19 के संक्रमण से बचाव हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूक करना, धात्री माता को केवल स्तनपान एवं प्रथम 6 माह में शिशु को ऊपर से पानी वगैरह भी नहीं देने के लिए महत्व को समझाना है, और आगे ऐसी माताओं का चिन्हांकन करना है जिन्हें स्तनपान कराने में कठिनाई हो रही है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से फोन अथवा गृह भेंट कर सहयोग प्रदान करनी, तो फोन से भी आप कर सकते हैं या फिर घर जाकर के भी समझा सकती हैं। लिखा है शिशु के प्रथम 6 माह के दौरान लगने वाले सभी टीके के बारे में स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्राम में टीकाकरण हेतु अपने जो आने वाले ग्रुप के माध्यम से परिवार को सूचित करेंगी, आशा कार्यकर्ता के माध्यम से 6 माह तक के शिशुओं को उनके वजन वृद्धि की निगरानी भी की जाएगी, धात्री माता द्वारा प्रतिदिन 6 माह तक आयरन एवं कैल्शियम के सेवन की निगरानी करना एवं सेवन करने वालों में होने वाली कठिनाइयों को आवश्यक परामर्श भी देना। साथ ही यहाँ पर लिखा है 6 माह से अब 3 वर्ष के जो आपके बच्चे रह गए ना उनके बारे में बहनों देख लीजिए, उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं अगली जानकारी पर। तो ये देख सकते हो जो आपके बच्चे हैं इसमें लिखा है कोविड 19 संक्रमण से बचाव के लिए सब कुछ जागरूकता उनको भी देनी है, 6 माह पूर्ण वाले जो बच्चे हैं व्हाट्सएप ग्रुप उनके लिए भी बन रहा है, तो 2 वर्ष तक के जो बच्चे यहाँ पर लिखा है 6 माह से 2 वर्ष के और उनको ऊपरी आहार की मात्रा बारंबारता वगैरह एवं खाद्य विविधता के बारे में आपको सलाह देनी है। ऐसे परिवार जहां माह के दौरान जो है लिखा हुआ अन्नप्राशन वगैरह कराया गया है उन परिवारों के में जो है सप्ताह में 1 बार अथवा 2 बार फोन कर अथवा ग्रुप के माध्यम से बच्चों द्वारा खाए गए आहार की मात्रा बारंबारता की जानकारी भी आपको लेनी है, बच्चा कितना खा रहा है उसको कितना देना चाहिए, इन सब के बारे में लिखा है। बच्चों के ऊपरी आहार संबंधी परिवार से शंकाओं का समाधान आपको करना है, तो टोटल जानकारी कुल मिलाकर के ये आ रही है। आगे और भी लिखा है बच्चों को लगने वाले सभी टीके जैसे विटामिन ए की खुराक, कृमिनाशक गोली का सेवन आदि, इन सब चीजों को लेकर के भी आप लोगों को टीकाकरण दिवस की जो जानकारी वगैरह भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दे देनी है। साथ ही लिखा है आशा के दौरान जो है बच्चों को सप्ताह में जो है 2 दिन जो है लिखा हुआ मंगलवार एवं शुक्रवार को दी जाने वाली आयरन फोलिक एसिड सिरप की खुराक वगैरह के संबंध में अभिभावकों को प्रेरित करने, साथ जो आयरन फोलिक एसिड के महत्व को अभिभावकों को भी समझाना है। तो ये तो कुछ जानकारी ऐसी रही बहनों जो मध्य प्रदेश में सरकार ने जारी कर दिया है लेटर और कह दिया है कि मध्य प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगी, वहां पर जितने भी लाभार्थी हैं उनको इस तरीके से जो है मदद पहुंचाई जाएगी। आगे आपको बता दें यहां पर लिखा हुआ है ये हमारी बहन है मीतू बहन, उन्होंने हमें फोटो भी भेज दी है और उनके वहां पर लिखा है वीडियो कॉलिंग पर लाभार्थी को समझाते हुए आपकी मीतू बहन, और जो है यहां पर लिखा हुआ आप देख सकते हो यहां पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अभी मैं आप लोगों को फोटो वगैरह भी उनकी दिखा रहा हूं, एक एक लोग को जो है फोटो के माध्यम से अपना वीडियो कॉल बहन कर रही है और लोगों को समझा रही है, स्क्रीन शॉट भी ले रही है और उस स्क्रीन शॉट को लेकर के हमें ऑल इंडिया पर भी बहन ने भेजा है जैसा कि आप सब देख सकते हो यहां पर। तो ये सब आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अब सब बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेगा, जितना हो सकेगा उतना घर बैठे काम करें वो आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों के लिए भी अच्छा है। लेकिन अब यहां पर सरकार को एक नियम पर सोचना है, वो है पोषाहार वितरण, उसे सरकार बंद करवाए घर घर सर पर बोरी गठरी लाद करके जाना, अब उसके लिए सरकार को सोचे लाभार्थी का खाता भले ही ले फोन नंबर लेकर के उसके बाद उनके खाते में पैसे भेजे, आंगनबाड़ी के ऊपर से यह जिम्मेदारी हटा दी जाए। रौनक भाई है उन्होंने मैसेज किया है, उनका कहना है भाई क्या ऊपर से अधिकारियों का आदेश है कि आंगनबाड़ी और आशा बाहर से आए हुए व्यक्ति के साथ अपनी फोटो खिंचाकर अपने अधिकारियों तक भेजे जो हमें क्वारंटीन में है, तो ऐसा अभी आदेश नहीं कि फोटो खिंचाने के लिए नहीं कहा जा रहा, लेकिन फोटो खिंचानी भी है यदि आपका अधिकारी कह रहा है, क्योंकि आंगनबाड़ी में आप सब जानते हो हर जिले में अपना अलग अलग अधिकारी अपना अलग अलग लेटर अधिकार जो निकालता है, तो ऐसे में आपको बता दूं यदि मांगी जा रही है तो दूर से फोटो ले, दूरी बना करके ले और इससे दिक्कत कम होगी। साथ ही आपको बता दें यहां पर देख सकते हो अर्चना बहन उनका भी मैसेज है, भाई आपको मेरी तरफ से ढेर सारे आशीर्वाद मिले, आप अपने पग पग पर आगे बढ़ते रहें और हम सभी बहनों की समस्याओं को सुलझाने में मदद करते रहें, क्या जो है कीपैड फोन में भी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड वगैरह करना है वो नंबर क्या है। दरअसल मैंने एक बार नंबर बताया था कि जिसके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है वो कीपैड नंबर एक जारी हुआ था उस पर कॉल करनी थी, वो नंबर मुझे अभी फिलहाल के लिए याद नहीं आ रहा, अचानक में आपका मैसेज देखा, तो किसी भाई बहन को यदि वो नंबर याद है ना जो कीपैड वालों के लिए था आरोग्य सेतु ऐप जिसमें रजिस्टर करवाना था, तो एक नंबर मैंने बोला था एक वीडियो में उस पर कॉल करिए और जो है आप लोगों का ये भी काम करना है। तो जो डेली वीडियो देखते हैं उन तक जानकारी पहुंच चुकी होगी वो वाली। अंजू देवी बहन है उन्होंने भी लिखा है, नमस्ते भैया जी मैं अंजू देवी हूं और जिला फतेहपुर वगैरह से रहने वाली बहन, तो यहां पर उन्होंने भी कुछ बहुत ही बढ़िया मैसेज लिखा, लेकिन हम सीधा आगे बढ़ते हैं। यहां पर कोरोना से जुड़ी हुई बहन कुछ कहना चाहती है लेकिन अभी बहुत मैसेज जैसे कि एक और ये देख लीजिए और भी आंगनबाड़ी है नाम वगैरह कुछ नहीं लिखा, एक और आंगनबाड़ी बहन है रुद्र वगैरह के नाम से भाई है उन्होंने ये फोटो भेजी है, सीटू वगैरह यूनियन की तरफ से है और वो अपनी जो है मांग पत्र वगैरह प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। लिखा 14 मई 2020 को मांग पत्र प्रधानी माननीय आपके प्रधानमंत्री जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम ये प्रेषित करके भेजा गया है, और यहां पर लिखा है जिला मंत्री हैं आपके नीलम श्रीवास्तव के द्वारा यूनियन
सीटू के माध्यम से सरकार से मांग की गई है। तो आपकी यहां पर बता दें, लिखा हुआ जिला गोंडा उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यवाहक अध्यक्ष मीनाक्षी खरे हैं, जिला अध्यक्ष जो है गिरजावती भी हैं। तो यहां पर उन बहनों की तरफ से ये 9 सूत्री मांगों को लेकर के आगे चर्चा की गई है, उनकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हो। आगे आपको बता दें, एक और मैसेज है, भैया आप आंगनबाड़ी की आवाज उठाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार हम लोगों को बीमा कवर वगैरह नहीं दे रही है, तो वगैरह राज्य कर्मचारी का दर्जा ही दे दे। तो यहां पर मैं आप लोगों को भाई बता दूं, अगर वंदना बहन है, वंदना यादव बहन जौनपुर जनपद से उत्तर प्रदेश से है, तो यहां पर सरकार को बीमा कवर देना आसान हो जाएगा, लेकिन वो आपको राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं देंगे, क्योंकि इसमें बहुत अंतर है। जो समझ रहे वो समझ रहे, राज्य कर्मचारी का दर्जा देना मतलब राज्य में किसी भी कर्मचारी को कुछ भी मिलता है बढ़ता है तो पर आंगनबाड़ी को भी मिलेगा। तो राज्य कर्मचारी का दर्जा एक मांग बड़ी है अगर देखा जाए बीमा की, क्योंकि बीमा उसे ही देना पड़ेगा जो कोरोना ड्यूटी के समान जो है बहन नहीं रहेंगी, तो उनको देना पड़ेगा। हर किसी आंगनबाड़ी को जो है 50 लाख नहीं मिल जाएंगे खाते में। तो यहां पर आगे आपको बता दूं, जैसा कि आप देख सकते हो, ये किरण बहन है, उनकी तरफ से भी जानकारी भेजी गई, लिखा इस तरह के फरमान घर बैठे अधिकारी गण वगैरह ग्रुप में डालते रहते हैं, अगर घर घर आंगनबाड़ी वगैरह ना जाए तो जानकारी ही ना मिले, ऐसे में जो है समय से जबकि कोई बाहर नहीं निकल रहा है, क्या इस विषय पर कुछ सुझाव आप दे सकते हैं? भैया मैं सीतापुर से आंगनबाड़ी बहन, तो आप देख सकते हो आंगनबाड़ी बहन सीतापुर से है, उन्होंने भी ये हमें कुछ भेजा है लिख करके, उनके वहां के अधिकारियों ने जो है ये लिखा है, इसमें लिखा है कि जो आंगनबाड़ी के लिए है और ये शायद आरोग्य सेतु ऐप वगैरह के लिए, यानी नहीं जो बाहर से लोग आ रहे हैं होम क्वारंटीन करने के लिए, उसके लिए लिखा हुआ है, व्यक्ति का नाम, पिता का नाम और कब आया, कहां से आया और ये सब चीजें हैं। तो इसके बारे में आप देख सकते हो, ये चीजें बहुत ही दिन से चल रही हैं आंगनबाड़ी को, ये एक महीने से मैं बता रहा हूं, प्रवासी लोगों की सूचना आंगनबाड़ी को तैयार करनी है, लेकिन यहां पर हर तरह के काम में आंगनबाड़ी लगा देंगे, लेकिन इनके मानदेय के लिए कोई नहीं सोचता। दोपहर का वीडियो मैंने दिया था, राहुल गांधी कांग्रेस सरकार की तरफ से एक लेटर निकाला गया है, उसे वीडियो को आप सब जरूर देखना और उसे शेयर भी करना। आगे रवि तिवारी भाई, उन्होंने भी लिखा है, गवर्नमेंट टीचर को COVID-19 वगैरह की जो है ड्यूटी में क्यों नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि वो लोग 40 से 50 हजार पाते हैं और उनको जो है यहां पर ड्यूटी में नहीं लगाया जा रहा, लेकिन आंगनबाड़ी 5 हजार पाती है उन्हें लगाया जा रहा है। इसका जवाब सीधे तौर पर यही है कि जो जितना कमजोर है उसे ही जो है यहां पर दबाया जाता है। आगे आपको बता दूं, आंगनबाड़ी बहनें हमारी हर काम में हमेशा दिखी हैं और यहां पर उन्होंने विरोध कम किया, यदि विरोध पहले से करती तो आज सरकार को यहां पर हमेशा हर काम में आंगनबाड़ी ही याद नहीं आती। आगे आपको बता दें, ये देखते हैं सुमन लता बहन है, उन्होंने भी मैसेज किया, भैया जी नमस्ते, मुझे आपसे यह कहना है कि सरकार ने जो शराब की दुकानें खोल रखी है यह बहुत गलत फैसला है, इससे पुरुष वर्ग शराब पीकर जो घरों में कलह वगैरह मचा रहा है, तो इससे जो महिलाएं काफी परेशान है, इसके बारे में कहती है कि जो है आवाज जरूर उठाएं। तो बहन की आवाज आप लोगों के सामने, इसे मैं पहले भी उठा चुका हूं। आगे आपको बता दें, ये आप देख सकते हो, छोटे और मझोले कंपनियों को पूरा फायदा होगा, खबरों में बहुत सुनने में आ रहा होगा, 20 लाख करोड़ का जो बजट आपके मोदी जी ने अभी परसों जारी किया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कल बोला है, फाइनेंस मिनिस्टर है आपकी, उन्होंने कहा है यहां पर 15,000 से जो कर्मचारी जो कम पाते हैं, 15,000 रुपए से कम है, ध्यान रखें कि 15,000 से सैलरी जो है पाने वाले, जो कम पाने वाले को इसका फायदा वगैरह ही मिलेगा, और जो 15,000 से ज्यादा पाते हैं उनको फायदा नहीं मिलेगा। तो यदि और यहां पर आंगनबाड़ी भी ऐसी है जो 15,000 से नीचे है, लेकिन फिर भी आंगनबाड़ी की सच्चाई यदि आपको बता दें, तो आंगनबाड़ी वर्कर को मानदेय बढ़ने की बजाय, मानदेय ज्यादा देने की बजाय उल्टे सरकार काट रही है। बिहार सरकार से सुनील कुमार भाई है, उन्होंने भी लिखा है, सर हम भी बिहार से हूं और पर मेरा मानदेय एक माह के ही आया है, उसमें भी 400 रुपए काट कर जो दिया गया है, मार्च से जब भी मानदेय आ रहा है तब मानदेय काटा जा रहा है, आप देख सकते हो, इस पर एक वीडियो बनाए। तो भाई की तरफ से यह आवाज, और उत्तर प्रदेश में भी मेरे पास लगभग 25 से 30 आंगनबाड़ी वर्कर बहनों ने कहा कि उनका 200-200 रुपया कट चुका है, किसी बहन ने कहा मेरा 800 कटा है। तो यह पैसा कटने जैसा जो खेल चल रहा है यह काफी गलत है, क्योंकि 4-5-6 हजार यदि आंगनबाड़ी कहीं पा रही है, ऐसे में उन आंगनबाड़ी वर्कर से आप काम भी रात दिन ले रहे हो, सुरक्षा भी नहीं दे रहे हो, बीमा वगैरह भी नहीं है, साथ ही साथ 5,000 में उनका घर का जो खर्च है यानी वो खुद नहीं चल रहा है, ऐसे में आप उनकी सैलरी काट रहे हो, तो ये मेरे ख्याल से गलत सरकार कर रही है। इसके बारे में थोड़ा सरकार को हमारी सोचना चाहिए। यहां पर ऑल इंडिया के माध्यम से आंगनबाड़ी बहनों की आवाज उठाई गई, और आज का वीडियो कैसा लगा, जो भी भाई बहनों ने पूरा लास्ट तक देखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं फिर आपको कल सुबह के और बड़ी खबरों में। यहां पर अभी हमारे पास काफी लेटर लगे हुए हैं, आज हमें लगा कि व्हाट्सएप की सूचना का जो अभी ट्रेंड चल रहा है बहुत ही तेजी के साथ, हर राज्यों में आंगनबाड़ी को यह काम सौंपा जरूर जाएगा, इसी तरीके से काम कराया जाएगा, क्योंकि केस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आंगनबाड़ी बहनों आप सब पहले से तैयार होंगी, आप लोगों को काफी मदद मिलेगी। धन्यवाद।